द्वार चैप्टर है देश दिशा दूरी विस्तार आयाम और कोण। तो ख्याल से पठन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लिखा है हर मानव इन सभी मुद्दों को जांचना चाहते हैं, ज्ञान के लिए, समझने के लिए। दूरी का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, इस पर हम मानव का ध्यान जाता ही है। बहुत सिंपल लाइन लिखा है कि ये जो सब विषय है देश दिशा दूरी विस्तार आयाम कोण, इन सब को हम सब जानना समझना चाहते हैं और इन सब के ऊपर रोजबरोज की जिंदगी में हमारा ध्यान जाता ही है। आगे लिख रहे हैं दूरी के मूल में मानव में समाहित आंख और आंख पर प्रतिबिंबित विभिन्न वस्तुएं परस्परता के बीच स्थित है। यह मूलतः स्थिति की ही स्वरूप हुई। मानव की आंखों में विभिन्न वस्तुएं प्रतिबिंबित रहती है। तो यहाँ पर पहला ही जो लाइन लिखा है कि दूरी के मूल में मानव, तो देखा जाए तो ये जो सारी ही चीजों को हम जब वस्तु के रूप में दिखने और पहचानने जाते हैं तो वहां पर मूल रूप से मानव ही उसके मूल में है, ऐसा यहाँ बात कर रहे हैं बाबा जी कि मानव को ही पहले बताया गया है कि जो भी संसार में सब घटनाएं हो रही है उन सब का दृष्टा, उनका कर्ता, उनका भोक्ता रूप में मानव ही है। तो ये जो चीज है उसको देखने वाला, उसको पहचानने वाला, उसके साथ निर्वाह करने वाला मानव ही है। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो दूरी है उसको देखने के लिए मानव अपनी इंद्रियों में से आंख का उपयोग करता है और उस आंख के ऊपर आंख में हर एक वस्तु प्रतिबिंबित रहती ही है और उन सबके बीच की परस्परता जो है वो भी हमारे आंखों के सामने दिखाई पड़ती है। तो ये जो मूल रूप से हमारी आंख के सामने जो दिख रहा है वो एक परिस्थिति हमारे सामने रहती है, उसको यहाँ बात रख रहे हैं। उससे आगे लिख रहे हैं मानव की भाषा के अनुसार कुछ चीजें पास में दिखती है, कुछ दूरी में दिखती है। इसी आधार पर दूर दूर में सूरज चांद तारे को देखते हैं, पास पास में धरती हवा जल पहाड़ पौधे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मानव को देखते हैं। इस प्रकार से मानव के आंखों पर वस्तुएं सदा सदा प्रतिबिंबित रहती ही है। तो यहाँ मूल रूप से हम जो प्रचलित भाषा में दूर पास नजदीक है या बहुत दूर है बोल रहे हैं उसी चीज को अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि आंखों से जो एकदम पास में दिखती है वो सब चीजें हैं। तो उन सबको नजदीक में बोल रहे हैं धरती हवा जल पहाड़ वो सब चीजें, और जो दूर दूर में दिखने वाली चीजें हैं जो कि हम दूर में चांद दिखता है दिखता है और कुछ कुछ ग्रह रात को तारामंडल वो सब दिखते हैं वो हमारी आंखों से दूर में दिखते हैं। तो एक प्रचलित भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। इससे आगे कहते हैं हम देख पाए तब भी रहते हैं, न देख पाए तब भी रहते हैं। कि ये सारी चीजें हम जब उसको देख पाए तब भी वो चीज वहां पर बनी हुई है और जब हम नहीं देख पाए तब भी वो चीज वहां पर बनी हुई ही है बता रहे हैं। इन्हीं तथ्य के आधार पर दूरी और माप दूसरों को समझाना भी चाहते हैं, स्वयं समझना भी चाहते हैं। दूर में हो पास में हो हर इकाई व्यापक वस्तु में ही समाई रहती है। यहां पर बोल रहे हैं कि प्रत्येक इकाई जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम समझना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, वो हर एक इकाई व्यापक वस्तु में समाई रहती है। व्यापक वस्तु में समाना मतलब कि व्यापक के महिमा को यहाँ पर इंगित करा रहे हैं कि सत्ता में संपृक्त जो सारे ही संसार है, जो हर एक इकाई है वो सत्ता में डूबा भीगा और गिरा हुआ है, उसी चीज को यहाँ पर ध्यान जा रहा है कि हर इकाई व्यापक वस्तु में समाई रहती है। समय रहते हुए भी पास और दूर हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विधि से दूरी का मतलब यह हुआ सत्ता में डूबी हुई स्थिति का हम अनुभव करते हैं। इस आधार पर दूरी को नापने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हम एक दूसरे के बीच में व्यापक वस्तु को ही नाप के रूप में पाते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि जैसे कोई भी चीज हमारे सामने दिखाई दे रहा है तो कोई एक वस्तु यहाँ पर रखा है, कोई एक वस्तु हम दूसरी जगह देख रहे हैं, तो दो वस्तु के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है जिसको हम खाली जगह बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, तो बोल रहे हैं वो चीज व्यापक ही है। और हम जब दो चीज के बीच की दूरी को नाप रहे हैं तो मूल रूप में हम उस नापक को व्यापक को ही नाप रहे हैं। तो जो नाप हम जिस चीज का ले रहे हैं वो मूल रूप से व्यापक या खाली जगह ही है, इसी बात यहाँ हो रही है।
आगे नाप के बारे में लिखा है, यह दो विधि से संपन्न हो पाता है, जैसा दूर दूर में सूरज चांद तारे को देखते हैं, इन्हीं दूरी को धरती पर दो ध्रुवों को अथवा दो शंकुओं को स्थापित कर इन दोनों के मिलन बिंदु के रूप में सूरज चांद तारे को एक लक्ष्य बनाकर इन दोनों के विभिन्न कोणों के आधार पर इन दोनों के मिलन बिंदु के आधार पर दूरी का पता लगा देते हैं। इसका नाम है अज्ञात दूरी को ज्ञात करना। यहाँ पर मूल रूप से जब हम सोचते हैं कि पहली बार किसी ने यहां से सूरज का यहां से चांद का जो डिस्टेंस है वो किसी ने तो वो कैसे नापा होगा, तो उस चीज को यहाँ बहुत सरल विधि से कोई भी समझ सकता है वैसे बता रहे हैं कि यहाँ से दूर की कोई चीज को हम जब नापते हैं तो एक ट्रायंगल को इमेजिन करना पड़ता है कि हम जिस धरती पर है उसी धरती पर कोई दो बिंदु को हम फिक्स कर लेते हैं और फिर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और जो तीसरी चीज हमको नापनी है उसको भी हम वहां पर कंसिडर करते हैं और उन तीनों को मिला के तीन बिंदुओं को जोड़ के जो एक एंगल बनते हैं तीनों के बीच में, उस एंगल को मिला के उसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करने से उन सबके बीच में कितनी दूरी है वो लगभग लगभग हम सही सही रूप में नाप पाते हैं और उन सबको नापने के बाद उनके साथ जो भी कार्य करना है वो करते हैं। जैसे यहाँ से वहां का डिस्टेंस कितना है वो नाप लेते हैं, यहाँ से वहां पर रॉकेट भी छोड़ते हैं, फिर हवा में सैटेलाइट भी छोड़ते हैं, तो वो सब चीज ऐसे हर एक चीज को नापने के बाद होता है। तो इस चीज को यहाँ पर बाबा जी बोल रहे हैं कि ये दूरी अज्ञात है जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं, उसका ये पहला विधि है। दूसरा विधि है ज्ञात दूरी की ज्ञात करना। ऐसा घटना किसी भी रचना पर ही होना पाया जाता है। रचना ज्ञात रहता है, दूरी अज्ञात रहता है। जैसे धरती में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आदि अनेक प्रकार के नाप किया करते हैं, यह धरती स्वयं में एक रचना है। किसी एक शंकु में अथवा ध्रुव बिंदु से नाप शुरू करते हैं, जिसकी दूरी नापना है वहां तक नाप लेते हैं, यह दूरी ज्ञात थी उसको नाप लिया। तो यहाँ दूसरे प्रकार की विधि बता रहे हैं कि इसको नापने के लिए जो वस्तु की दूरी हम नाप रहे हैं उसकी जो रचना है वो निश्चित रहती है, तब हम दूसरे प्रकार से उस दूरी को नापते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि रचना अपने आप में स्थिर है। अब इसको जैसे देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर हमें कोई दो जगह के बीच का डिस्टेंस नापना है तो पृथ्वी की जो धरती का जो सरफेस है वो अपने आप में स्थिर हो गया है। अब मुझे यहाँ से कोई दूर की जगह को नापना है, जिस मानव तीर्थ से रायपुर का डिस्टेंस अगर नापना चाहूँ तो ये दोनों अपने में स्थिर है, तो मैं यहाँ पर एक बिंदु को फिक्स करता हूँ और यहाँ से चलते 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 रायपुर तक पहुंचू तो उसके बीच में कितने कदम चले उसको मैं काउंट करूं, तो बोलते हैं कि दूरी अज्ञात है उसको ज्ञात कर लिया और फिर उसको नापने के बाद वो स्थित हो जाता है कि यहाँ से वहां का दूरी कितना है तो इसको हम नाप सकते हैं। और ऐसा करते करते पूरे धरती पर हर एक इकाई के बीच की जगह हम नाप लेते हैं, पूरा डिस्टेंस हम नाप सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है वो सब चीज इस एक दूसरी विधि से भी नाप सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बात आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि इससे नापने की क्रिया का हमको बोध होता है, जिसको नापा इसका भी बोध होता है, अब नाप क्या चीज है इसका भी बोध होना आवश्यक है। तो बोल रहे हैं कि नापने की क्रिया मतलब जो दो प्रकार की विधियां बताई नापने की उसका हमको बोध होता है, इसके साथ जिस चीज को हम नाप रहे हैं उसको भी हम पहचानते हैं और उसी के साथ साथ वो पूरी प्रक्रिया से उन दोनों बीच की जो दूरी है उसको भी हम यहाँ पर नाप रहे हैं। उसके बाद आगे आ रहा है, भौतिक तुला में छोटी वस्तुओं को तोलने की जब मानव को आवश्यकता हुई तब भौतिक तुला के सूक्ष्मतम तोल को निश्चित बिंदु मानकर उसके दशांश शतांश के आधार पर विखंडन विधि को गणितीय विधि से अपनाया। तो बहुत अच्छा लाइन दिया है यहाँ पर कि भौतिक तुला में जब भी हम किसी चीज को नापने जाते हैं तो भौतिक तुला का सबसे छोटा सा छोटा जो साइज है सबसे छोटा नाप जो हम ले पाते हैं उसको हम एक जगह पर निश्चित मान लेते हैं और फिर उसी के मल्टीप्लिकेशन में हम उसका नाप बढ़ाते जाते हैं और इससे कितनी भी बड़ी इकाई हो उसको हम नाप सकते हैं। हम छोटे से छोटे अणु का भी डायमीटर बोल सकते हैं अभी साइंस में और बड़े से बड़े ग्रह का भी डायमीटर बोलते हैं, तो बोल रहे कि वो इसी आधार पर हो सकता है। जैसे अभी के जो यूनिट है उसमें भी देखे तो माइल किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर फिर सबसे छोटा नैनोमीटर उसके बाद
काम करते हैं वो लोग जानते हैं, पिक्सेल्स में भी गिनती होती है और उससे छोटी भी गिनती आजकल होती है। तो इन सबको यहाँ बता रहे हैं कि सबसे सूक्ष्म है उसको आधार मानते हैं और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर 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 चीजें होती जाती है, उसके दशांश और शतांश के आधार पर विखंडन विधि से हर चीज को नापते हैं, ऐसी यहाँ बात आ रही है। इसी क्रम में आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी विधि से एक एक वर्ग इंच में लाखों विभाजन, लाखों में वर्ग को विभाजित कर संख्याकरण कर लिया। इसके उपयोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में प्रयोग किया ही जा रहा है। तो बोल रहे कि इस विधि से हमने जो हर एक चीज को नाप लिया है वो हमने पहले, जैसे हम देखे तो पहले एनालॉग और उसके बाद सब डिजिटल कन्वर्जेशन होने लगा तो डिजिटल चीज को नापने लगे। तो बोल रहे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में हम उसको स्टोर भी करते हैं और उसके प्रयोग से हर एक चीज को हम नाप भी सकते हैं, जैसे लेजर से कितना भी दूरी हो लेजर से उस दूरी को एकदम एग्जैक्ट और प्रिसाइजली नाप सकते हैं, कितनी दूरी है, कितना एंगल बन रहा है, वो हर एक चीज हम नाप रहे हैं। और जो अलग अलग प्रकार के यूनिट्स है, जैसे यहाँ पर कोई अलग यूनिट्स चलते है, यूरोप में कुछ अलग यूनिट्स चलते है, तो उन सब के बीच में जो कन्वर्जन होना है या एक ही यूनिट में इंच है, सेंटीमीटर है, मीटर है, फीट है, इन सब के बीच में जो विखंडन विधि से हमने पूरा नाप फिक्स किया है तो उनका भी जो कन्वर्जेशन है वो हम कर रहे हैं और उस सबको स्टोर किया है और उसका प्रयोग आजकल हर जगह किया ही जा रहा है, ऐसी बात हो रही है। आगे है, आगे आगे पीढ़ी के लिए प्रयोग करने के लिए ये सब उपलब्ध है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापने के क्रम में नापने वाला वस्तु किसी न किसी धातु अथवा लकड़ी से बनी रहती है। तो बोलिए अभी तक जो कुछ भी मानव जाति ने कर लिया है ये इतना काम, वो अब आगे की पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहेगा। जो लोग करना चाहे वो यहाँ से आगे का काम करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह जो भी चीज हम नापते हैं तो उन सब चीज को नापने वाला कोई एक वस्तु रहता है, कोई एक स्केल रहता है, उससे हम नापते हैं, कोई मेजर टेप से हम नापते हैं। तो बोल रहे ये किसी ना किसी धातु या लकड़ी से बनी हुई एक फिक्स चीज होती है जिसको मल्टीप्लाई करने से हम उस पूरी ही चीज का एरिया को हम नाप लेते हैं। इसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यापक में समाई हुई है, यह तथ्य हमें विदित है। यहाँ फिर से व्यापक की चीज को ही बताया जा रहा है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में जो कुछ मापते हैं, ध्रुव से ध्रुव के बीच में व्यापकता को ही मापते रहते हैं। इन दोनों के बीच दूरी को उसकी निश्चित दूरी मान लेते हैं, संख्याकरण कर लेते हैं, स्पष्ट भरोसा रखते हैं। यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ भी मापेंगे दूरी के रूप में परस्परता के बीच व्यापक वस्तु ही है। व्यापक वस्तु को ही नापने की बात यहाँ पर फिर से आ रही है। उसमें एक चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम जो कुछ भी दूरी नापते हैं फिर उसका हम संख्याकरण कर लेते हैं, उसको अलग अलग डिजिट और उसका एक फिक्स नाप हम दे देते हैं और फिर उसके ऊपर हम स्पष्ट भरोसा रखते हैं कि एक सेंटीमीटर मतलब इतना ही होगा, एक इंच मतलब इतना ही होगा, एक फीट मतलब इतना ही होगा, एक मीटर मतलब उससे भी बड़ा होगा, वो हम मान लेते हैं और उसको पूरा मानव जाति मानती है और उसके ऊपर हम स्पष्ट भरोसा रखते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाए वो नाप ऐसा ही बना रहेगा हर एक व्यक्ति के पास हर एक जगह में, तो उस चीज को हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं कि वो जो हमने नाप की विधि को अपनाया है वो हर जगह उसी प्रकार से प्रचलित है। आगे दिया है, इस प्रकार के सभी मापदंड के स्वरूप में व्यापक वस्तु को मापकर एक एक वस्तु माप लिया ऐसा मानते हैं, जैसा लंबाई वैसा ही चौड़ाई वैसा ही ऊंचाई, जिसमें ही सारी इकाई आती है। जैसा यह धरती व्यापक वस्तु में डूबे घिरे भेगे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं, सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तोल का कार्य भी सफल हो जाता है, विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। यहाँ पर यह चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि अस्तित्व की हर एक इकाई व्यापक वस्तु में डिबे भीगे और गिरे रहने के आधार पर किसी भी चीज को हम नापते हैं तो उस वस्तु को नाप रहे हैं, वो बात तो आई है।
इसी के साथ बता रहे हैं कि सहअस्तित्व मतलब हर एक चीज का एक दूसरे के साथ जुड़ा रहने का, जो हम सहअस्तित्व विधि से उस चीज का पहचानना, निर्वाह करना और एक दूसरे की उपयोगिता पूरकता को जो हम समझते हैं, उसके कारण जो हम नाप करते हैं उस नाप का प्रयोजन और उसकी जो प्रक्रिया, जो विधि हमने अपनाई है वो सफल हो रहा है। और बोल रहे हैं कि उसके आगे हमने जो विखंडन विधि अपनाई है नापने के लिए, वो विखंडन प्रणाली भी इसी के आधार पर सफल होती है। तो इसको हम जैसे देखने जाए तो समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी बड़ी फैक्ट्री में कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हर एक चीज को वहां पर नापा जाता है और वो नापना आवश्यक भी रहता है। तो किसी भी चीज को हम अगर उत्पादन करने जाते हैं तो समझ लीजिए कोई छोटा भी यूनिट लगा है तो उस चीज को कितनी जगह में रखना पड़ेगा, फिर उसको बनाने के लिए जो चीज हमको चाहिए होगी वो कितनी मात्रा में चाहिए होगी, फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस के बाद कोई एक चीज हमको बन के मिलेगी, कोई एक चीज उसमें से वेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा उसका एक कैलकुलेशन बनेगा, वो सब करने के लिए कोई एक मशीन लगेगी तो वो मशीन कितने एरिया में रहेगी, वो कैसे काम करेगी, कितने समय में कितने मशीन में से कितनी चीजें बनेगी, तो ये हर एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें छोटे से छोटी सेकंड को, माइक्रो सेकंड को काउंट करते हैं, मिनट में, घंटों में, एक घंटे में कितने यूनिट निकालेगी, उसके हिसाब से हम उन हर एक चीज को मापते हैं। फिर आजकल की जो मुद्रा प्रणाली है उसके हिसाब से उसका हम कॉस्टिंग निकालते हैं, उसको हम कितने बेचेंगे वो सब कैलकुलेशन लगाते हैं। तो इन सब को मिला के अभी हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसकी कार्य क्षमता ये सब छोटी छोटी चीजों को मिलाने से बढ़ती है। इस हिसाब से बोल रहे हैं कि यहाँ पर विखंडन प्रणाली सफल रहती है। हर एक छोटी से छोटी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, उन सबको मिला के हम आखिरी में किस रूप में कौन सी चीज को पाएंगे वो स्पष्ट रूप में हम पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देख पाते हैं अभी के जीवन में हमारे साथ जो हर चीज जुड़ी हुई है उसमें। फिर आगे है, मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंडों को कर्तलगत कर चुके हैं। इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु अथवा गति, दबाव, तरंग, शब्दों का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां है। ये ज्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल हुआ है। यहाँ पर एक लंबा स्टेटमेंट आया है, इसमें बता रहे हैं कि मापदंड जो है वो अंततः है क्या। तो हम जो एग्जांपल में जिस चीज की बात की है वही चीज है कि अंततः हम जो भी चीज का हम नाप ले रहे हैं वो फाइनली है क्या। तो कोई ना कोई गति है, मशीन की गति है, इलेक्ट्रिसिटी की गति है, कुछ दबाव है, कुछ तरंग है, कुछ शब्द है, वो हर एक चीज को हम नापते हैं, उसको घटाने और मात्रा है उसको हम निश्चित करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, उसको एनालाइज करके हम पहचान के रखते हैं कि इतना बनाकर रखने से इस चीज में इस गति से ये चीज काम करेगी, वो सब चीज हम बना के रखते हैं। और आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो ये सब चीज कंप्यूटर से हो रहा है, कंप्यूटराइज हर एक चीज का कमांड दिया जाता है, उससे पूरा सिस्टम काम करता है और एक ही बेल्ट में सब चीजें जाती है, उसका प्रोसेस होता है, कुछ बन के आता है। या खुद हमारे स्मार्टफोन को भी देख ले, एक वॉइस कमांड से ही वो सब कुछ अपने से सेट करता है। तो ये सब चीजें है, वो छोटी से छोटी चीज को नाप कर उसको निश्चित करके रखने से, फिर उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला लगाने से ये सब चीजें होती है, जिसको यहाँ बोल रहे हैं कि उसको हम बढ़ाने और घटाने की विधि को पहचान के उसको हम कुछ फिक्स कर लेते हैं और उसको सही प्रयोजन के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में हम उसको जब प्रयोग करते हैं तो ये सब हमारे लिए अनुकूल हो जाता है। तो इसको बाबा जी यहाँ पर मानव जाति का सौभाग्य बता रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी बात है। और इसका ज्यादातर उपयोग दूर संचार के लिए बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा किया जाता है, जैसे रेडियो हुआ, फिर टेलीविजन हुआ, उसके बाद अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू हो गया, स्मार्टफोन है, तो वो सब चीजों से जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, छोटी बड़ी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करके सेट करते हैं, उसके ऊपर एक फिक्स वेव जाता है, उस वेव के आधार पर हम कुछ डेटा कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अभी हम लाइव भी कर रहे हैं, तो ये सब इसी टेक्नोलॉजी की देन है, वो सब हम पहचान ही रहे। तो मुख्य रूप से ये सब पूरा जो एक चैप्टर आया उसको अगर हम समरी के रूप में देखें दूरी को, तो मुख्य रूप से हम दो तीन बात किए हैं इसमें। एक तो पहला है कि जो दूरी है वो एक तो आंखों से दिखने वाली जो चीज है उसके बीच में परस्परता में जो जगह है उसी को हम दूरी के रूप में पहचानते हैं, नजदीक नजदीक बोलते हैं, दूर बोलते हैं, वो सब दूरी के संबंध में बात होती है। और फिर उस दूरी को हम जब नापते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर वो ध्यान दिलाया जा रहा है कि वो जो हम नाप ले रहे हैं वो नाप हमारा
व्यापक वस्तु को ही हम नाप रहे हैं, और उस नाप का प्रयोजन और उसकी प्रक्रिया, विखंडन विधि से उसका सब उपयोग करना, ये सब अभी के समय में सफल हो चुका है और उसको पूरी मानव जाति कर्तव्यगत कर चुकी है, उससे अच्छे से उपयोग कर रही है, ऐसी बात है यहाँ पर। इसके बाद का टॉपिक है विस्तार। विस्तार के बारे में सबसे पहली लाइन में बहुत अच्छा परिभाषा स्पष्ट दिया है, विस्तार अपने में रचना की अवधि के बराबर होता है। अवधि बराबर फैलाव, वो वस्तु कितने में फैली हुई है उसी को हम उसकी अवधि बोलेंगे, वही उसका विस्तार हो रहा है। कोई रचना इकाई जितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फैली हुई है वह उसका विस्तार है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब जिसको हम अभी प्रचलित विज्ञान में 3D बोलते हैं उसको बोल रहे हैं। रचना के मूल में यह तथ्य हमें विदित हो गया है कि परमाणु से अणु, अणुओं से अणु रचनाएं छोटे बड़े होने की बात स्पष्ट हो चुकी है। यह धरती जैसी अनेक धरती भी अणुओं से रचित रचनाएं है। कई अन्य ग्रह में, अन्य ग्रह गोल में भी इस धरती की तरह ठोस तरल विरल वस्तुएं हो सकती है। तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी एक रचना बनती है तो उसके मूल में एक परमाणु रहता है, फिर कुछ परमाणु मिलके एक अणु, अणु मिलके कुछ एक पिंड बनता है, और फिर पिंड मिलके कोई एक निश्चित रचना बनती है जिसको हम पहचानते हैं उस रचना को, फिर उस रचना का भी कोई एक स्वरूप रहता है, तो उस स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं कि वो ठोस तरल या विरल रूप में रहता है, और वही चीज इस धरती पर होता है, वैसा अनेक धरतियों पर भी इसी रूप में हमको मिलेगा। अनेक तरह के ग्रह गोल हमारे आंखों के सम्मुख प्रतिबिंबित रहते ही है। हम यह भी जानते हैं दूर दूर में बहुत सारी धरतियां हो सकती है। इस धरती के संबंध में भी कोने कोने को पहचानने के लिए प्रयत्न हुआ, अन्य धरतियों को पहचानने की इच्छा मानव में रहती ही है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विधि से प्रयास काफी वर्षों से किया जा रहा है। यह सब अपने गति में, अपने गति से प्रयासों के अनुपात से संभव होता ही रहेगा। मुख्य मुद्दा इस धरती पर मानव परस्पर विश्वास के साथ पर रहने का है। जैसे यहाँ पर एक लाइन बीच में आया कि मानव अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर हर एक चीज को जानना चाहता है। यहाँ से दूर में जो चीज दिख रही है वो क्या है, उसमें अंदर क्या है, वहां पर जाने पर हमको कैसा लगेगा, वो चीज हमारे कुछ काम की है कि क्या है, ये सब मानव में कल्पना चलती ही रहती है, और उसी कल्पनाशीलता के आधार पर मानव ने अभी तक बहुत सारा प्रयास किया भी है। हमारे नजदीक के कुछ ग्रह पर मानव पहुंचा भी है, मानव नहीं पहुंचा तो उसको रोबोट के जरिए से उसके वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लाने का प्रयास किया है। तो ये सब कुछ मानव करता ही रहा है और ये सब आगे भी करता ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताते हैं, और उसमें भी कई मात्रा में हम सफल हो भी गए हैं। इसी के साथ साथ हम जिस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती के सरफेस पर क्या क्या चीजें हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको भी हम पहचान लिए हैं। धरती के नीचे पाताल में अंडरग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं उसको भी हम पहचान लिए हैं, उसका भी हम उपयोग कर रहे हैं, और धरती के ऊपर में जितने भी ग्रह गोल दिख रहे हैं उसको भी हम हमारी कल्पनाशीलता से कुछ ना कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल बात जो बता रहे हैं, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है कि ये सब करने के बाद भी मुख्य मुद्दा ये है कि इस धरती पर जो मानव बसा हुआ है उसको आपस में परस्पर विश्वास के साथ जो जीने की बात है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। ये यहाँ पर एक समीक्षा का मुद्दा बन रहा है। तो आगे लिख रहे हैं, अपने विश्वास पर जीने के लिए पहले समझ चुके हैं स्वयं में विश्वास होना, श्रेष्ठता का सम्मान करने में, व्यक्तित्व की कसौटी में, प्रतिभा को प्रमाणित करने में, व्यवहार में सामाजिक होने, व्यवसाय में स्वावलंबी होने से है। विश्वास प्रतिष्ठा हर मानव चाहता है। बहुत सुंदर 3 लाइन में बता दिया है जो हम बाद में भी आगे बात करेंगे, या पहले बात कर भी चुके होंगे कई लोग यहाँ पर, कि जो स्वायत्त मानव के 6 सद्गुण या 5 सद्गुण जिनको बोलते हैं उनको यहाँ बताया है। कि जो बात आई है कि मानव परस्पर में विश्वास के साथ जिएगा, उसके पहले बात है कि मानव स्वयं में विश्वास के साथ जिए, स्वयं में विश्वास से भर जाए। तो उसके लिए मानव को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके लिए अपने से श्रेष्ठ का सम्मान करेगा, अपने व्यक्तित्व की कसौटी में खरा उतरेगा, अपनी प्रतिभा को प्रमाणित करेगा, प्रतिभा को विकसित करेगा, फिर उसके अनुसार अपना व्यक्तित्व भी डेवलप करेगा, फिर व्यवहार में सामाजिक बनेगा और व्यवसाय में स्वावलंबी होगा। इन सब चीजों का क्रम से मानव को अभ्यास करना पड़ेगा, और इसी अभ्यास के फलन में धीरे धीरे करके अपने में एक विश्वास को बढ़ता हुआ देखेंगे, जिसको मैं भी कई समय पर ऐसे घटना रूप में अपने में देख पाता हूँ, ये सब भी देख पाते ही होंगे। और उसके बाद बोल रहे कि ये विश्वास प्रतिष्ठा जो अपने में डेवलप होना है ये हर मानव की चाहत है।
सब मानव चाहते ही है कि मैं हमेशा विश्वास के साथ जियो, किसी को भी अंडर कॉन्फिडेंस लेना पसंद नहीं है, सब कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, उस बात यहाँ बता रहे हैं। स्वयं में विश्वास का मतलब इतने में सार्थक होना पाया जाता है, तभी इस धरती पर सदा सदा के लिए मानव परंपरा आश्वस्त होना बनता है। इस धरती का विस्तार अपने में निश्चित हो चुका है, मानव के मापदंड से भी धरती का स्थल अपने में स्वयं सिद्ध है। तो यहाँ पर दो चीज बता रहे हैं, एक तो धरती का स्थल और धरती का विस्तार। तो धरती का स्थल अपने सौर मंडल में फिक्स है ही कि सूर्य से इतने ग्रह के बाद में धरती है, उसके बाद इतने ग्रह है, और वो सौर मंडल में एक अपनी निश्चित गति से अपनी धुरी के ऊपर भी घूमती है, सौर मंडल में भी घूमती रहती है। और धरती का अपना एक विस्तार भी निश्चित है, लगभग 12,700 समथिंग कुछ डायमीटर है, वो पूरे धरती का एरिया है, वो भी हमने नाप लिया है। तो ये चीजें अब स्वयं सिद्ध हो चुकी है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। आगे है, यह धरती विभिन्न प्रजातियों के अणुओं का सह अस्तित्व पूर्ण रचना स्पष्ट है। इस पर स्वयं में रासायनिक संरचनाएं भी प्रकट होकर मानव शरीर पर्यंत प्रमाणित हो चुकी है। तो इस धरती पर अलग अलग प्रजातियों के परमाणु और उसके आधार पर कुछ अलग अलग रचनाएं बनी है, उन सबका सह अस्तित्व जो है वो स्पष्ट रूप में हम देख ही पाते हैं, और उनमें जो भी रासायनिक संरचनाएं होकर उसका जो कुछ भी भौतिक परिणाम आता है उसको भी मानव अपने शरीर पर्यंत उस सब चीजों को देखता ही है। कोई एक पेड़ उसके सामने बड़ा होता है, फल देता है, और फिर वो सूख भी जाता है और जमीन में फिर से मिल जाता है, खाद बनता है, सारी घटना आदमी अपने जीवन शरीर पर्यंत देखता रहता है। फिर आगे है, मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में पूरी धरती, अनेक ग्रह गोल, ब्रह्मांडीय किरणों तक का अध्ययन करने का अधिकारी है। इन सब का उपकार मानव को उपलब्ध हो चुका है। इसी के साथ मानव का अध्ययन मानव के लिए अधूरा ही रहा, इसी की आपूर्ति आवश्यक है। यहाँ पर फिर से एक मुद्दे पर ध्यान जाता है कि मानव ने इस धरती पर और धरती के बाहर जितनी भी चीजें हैं उसका पूरे रूप में जान लिया, उसका वो अधिकारी भी है और उसको उपकार रूप में वो सब चीजें प्राप्त भी हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ मानव का स्वयं का जो अध्ययन होना था अभी तक, वो अभी तक शेष है और उसकी पूर्ति होना आवश्यक है मुख्य रूप में। इसके लिए समुचित विधि ज्ञान विवेक विज्ञान रूप में स्पष्ट हुई। मानव के अध्ययन की विधि तीन रूप से बता रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान, तो ज्ञान को हम तीन प्रकार से ज्ञान जो यहाँ पर दर्शन में बताए जा रहे हैं कि सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, तीन प्रकार से ज्ञान को बताया है। और ज्ञान के बाद विवेक है, तो विवेक को भी एक मुख्य सूत्र रूप में देखा जाए तो विवेक है शरीर का अमरत्व, जीवन का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम। और व्यवहार के नियम में देखा जाए तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इन तीन चीजों को बता रहे हैं। और उसके बाद विज्ञान बता रहे हैं, तो विज्ञान को भी यहाँ पर बोला है कि कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी ज्ञान है जो उसको विज्ञान बोलता है। और इन तीनों के साथ मिलके हमारी जो आगे की जीवन की जीने की दिशा निर्धारित होती है उस दिशा के अनुपात से बोल रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान विवेक और विज्ञान, इन तीनों चीजों से मानव का अध्ययन होगा। इसी क्रम में रचना के फैलाव को विस्तार के रूप में हम समझने लगे हैं। इस विस्तार को मापदंडों के आधार पर संख्याकरण भी कर लिया है, मील, किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है ही। ये बात फिर से यहाँ पर आ ही रहा है, उसको आगे बढ़ते हैं। इसी धरती के विस्तार के ऊपरी हिस्से में अटूट ऐश्वर्य प्रस्तुत है ही। सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जंगल है। इन सबको बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन की आवश्यकता पर ध्यान गया, जिसे पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसीलिए धरती के विस्तार को समझते हुए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्ठा, प्रवृत्ति, सक्रियता आवश्यक है। बोल रहे कि इस धरती के ऊपरी सतह में ही पर्याप्त मात्रा में हर एक वस्तु उपलब्ध है ही, और इसमें सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जो मानव को मिला हुआ है वो जंगल है। तो उसको तो हम बहुत सरलता से पहचान भी पाते हैं कि जो चार अवस्था की बात करते हैं तो उसमें से पहले की जो तीनों अवस्थाएं हैं, पदार्थ, प्राण और जीव, और इनकी पूरी वैविध्यता और सब एक पूरकता के साथ जीता हुआ एक जगह में देखने को मिलता है, तो वो जंगल ही ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरकता के साथ जीती हुई और मानव के लिए भी पूरक होती हुई देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ जंगल को प्रमुख ऐश्वर्य बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जो।
और इनको बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन है वो प्रमुख वस्तु यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे में एक निष्ठा भी होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रवृत्त भी हो, उसके लिए हम खुद कुछ इनिशिएटिव ले अपने से, वो एक प्रमुख आवश्यकता अभी के समय में है, जैसा बात यहाँ पर बाबा जी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये पूरा विस्तार का चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। तो उसकी समरी देखे तो मुख्य रूप से बात जो पहले आई, तो पहले बता रहे हैं कि विस्तार जो है वो अपने में एक रचना की अवधि जो है उसको हम विस्तार बोल रहे हैं। उसके बाद में जो एक क्वेश्चन आया कि मानव परस्पर विश्वास के साथ जीना जो है वो अभी तक शेष बचा है, मानव ने ये सब चीजें कर लिया है लेकिन एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक जीना बचा है, और उसी के बाद बात आई कि मानव स्वयं में विश्वास पूर्वक जिए, उसके साथ उसके लिए मानव का स्वयं का अध्ययन करना एक परम आवश्यकता है, और उसी के लिए ज्ञान विवेक और विज्ञान रूप में तीनों को साधन रूप में बताया है यहाँ पर। इसके बाद वाला टॉपिक है बेस। क्वेश्चन है विपिन बिहारी जी, इस धरती से सूर्य के बीच की दूरी कैसे माप, फिर से समझाए जी भैया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने भी जो बाबा जी ने लाइन लिखी है वो तो बहुत स्थूल भाषा ऐसा मुझे लगा, तो अभी के साइंस में उसको कैसे उपयोग कर रहे हो मैंने इंटरनेट से भी पढ़ने का कोशिश किया। तो हम लोग जो स्कूल के टाइम में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे उसमें जो कुछ थीटा वगैरह मिला के जो सूत्र आते थे उन सब सूत्रों का और कुछ स्टैटिक वैल्यू है उनको मिला के एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला में उस जो एंगल बनता है तीनों के बीच में जो हमने बात की वो एंगल को अप्लाई करने से उसके बीच की दूरी जो है उसको पता लगा सकते हैं। उसका और डिटेल में अध्ययन मुझे भी करना पड़ेगा और आप भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है देश। इस विस्तार को ही हम देश के नाम से जानते हैं। प्रचलित विधि से अनेक देशों का नाम पहचाना गया है। यदि हम पूरे ईमानदारी से सोचे तो किसी भी एक रचना का विस्तार ही देश होता है। जैसे यह धरती अपने में एक निश्चित विस्तार संपन्न है ही, धरती स्वयं में न तो विभाजित है न विखंडित है, इस धरती की अखंडता अपने आप में सबको विदित है। तो बोल रहे हैं कि यह धरती अपने आप में अखंड है। जैसे हम देखने जाए तो अभी भले ही हम धरती के ऊपर सात खंड बोल रहे हैं लेकिन उसको भौतिक रूप में जब पूरे गोले के रूप में देखे तो एक ही गोला है ये पूरा, और इसके ऊपर अनेक अनेक देश है, देश को हम पहचानते हैं तो लगभग 195 से 96 जितने देश हम अभी तक पहचान लिए हैं, इतने देशों का अस्तित्व है इस धरती के ऊपर। लेकिन धरती अपने आप में न तो विभाजित है न विखंडित है, ये अपने आप में पूर्ण रूप में एक निश्चित विस्तार से संपन्न है, ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। आगे कह रहे हैं, इसके बावजूद अनेक देश राज्य के नाम पर इसे विभाजित करने का प्रयत्न रहा है। इस धरती का अखंड होना स्वयं में इस धरती पर मानव अपने को अखंड समाज के रूप में पहचानने का प्रेरणा भी है। मानव अपने अखंडता को पहचानने के उपरांत ही इस धरती पर मानव के सुरक्षित होने की संभावना उदय होती है। मानव विखंडित रहते तक धरती के क्षतिग्रस्त होते रहने की संभावना बनी है। तो बोल रहे कि धरती अपने आप में एक पूर्ण रूप में एक ही रचना है, विखंडित नहीं है, फिर भी जैसे मानव का इतिहास देखे तो मानव अभी तक जो कुछ भी युद्ध किया है वो धरती के लिए ही किया है। हम सबको विदित है कि ये टुकड़ा मेरा है ये टुकड़ा मेरा है को लेकर ही झगड़ा चला और बड़े बड़े युद्ध हुए ही है, तो वो सब इतिहास तो सबको विदित है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहे हैं यहाँ पर बाबा जी, ये धरती अपने आप में अखंड है, उसको पहचानने के साथ साथ मानव को भी अपने आप को अखंड रूप में पहचानने की संभावना हमको स्पष्ट रूप से दिख रही है। और इसी के साथ साथ बोल रहे हैं कि इसको अखंड रूप में पहचानने से मानव जाति अपने आप को अखंड पहचानेगी, तभी उनके अंदर जो भय बना हुआ है वो जाएगा और अपने आप को संरक्षित महसूस करेगा, ऐसी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अतएव धरती अपने में एक रचना होते हुए इसी रचना में अविभाज्य रूप में विद्यमान सभी इकाइयां धरती की अखंडता के साथ जुड़े ही है। इसी प्रकार हर रचना, हर धरती की रचना
अपने आप में इकाई संपूर्ण है, ऐसे अखंड धरती के उदाहरण के रूप में इस धरती को पहचान सकते हैं। जी, तो यहाँ पर से बात करें एक स्पष्ट उदाहरण जैसे देखा जाए कि अलग अलग इकाइयां है वो विद्यमान है, वो धरती की अखंडता के साथ कैसे जुड़े हैं, तो हम देख सकते हैं जो किसानी के साथ ही जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देखे कि जैसे इस धरती में हम कुछ एक बीज डालते हैं तो धरती के अंदर कुछ एक निश्चित ताप दाब और पानी वर्षा और हवा का जो एक माध्यम होता है उन सबके अनुपात में कोई एक पौधा वहां पर आकार लेता है, वो पौधा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके अंदर फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसके ऊपर कोई कीड़ा आके बैठता है और उस कीड़े से उसका पोलिनेशन होता है, उसके ऊपर फल आता है, फल आने के बाद उस फल को मानव या तो कोई पशु है उसको भोजन के स्वरूप मिलेगा, धीरे धीरे करके वो पौधा फल देना बंद करेगा और वो मुरझा जाएगा एक समय पे जब उसकी अवधि पूरी होगी, उसके बाद वो फिर से जमीन में ही मिल जाएगा और वो खाद बनेगा और उससे धरती फिर से पुष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो पूरा एक सर्कल घूमता है उसकी यहाँ पर बात कर रही है कि ये सभी इकाइयां धरती के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई है। आगे बोल रहे हैं, धरती पर चारों अवस्था प्रमाणित हो जाए, विकसित धरती का अथवा विकासशील धरती का तात्पर्य यही है। इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। अखंडता विधि से मानव में से के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था अध्ययन व प्रमाणित करने की व्यवस्था मानव के लिए सुलभ हो गई है। तो बोल रहे हैं कि धरती पर चारों अवस्था प्रमाणित हो जाए उस धरती को विकसित धरती अथवा विकासशील धरती यहाँ पर बोल रहे हैं बाबा जी, और बोल रहे हैं कि इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। इन चारों अवस्थाओं का प्रमाणित होना, प्रमाणित होने का एक सिंपल मीनिंग जो मैं समझता हूँ कि चारों अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के उपयोगी है और इस संदर्भ में उसके प्रयोजन को पहचानने के बाद उनके साथ जो निर्वाह होना है, एक संयमता पूर्वक इस चीज का उपयोग करना है, सदुपयोग के अर्थ में, उसके प्रयोजन के अर्थ में हर एक वस्तु का मानव जब उपयोग करेगा तो उस चीज को बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो चीज जब होगी तब इस धरती की महिमा को मानव को बोध होगा हर एक वस्तु का प्रयोजन समझने से, ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। और इस चीज को करने के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में अध्ययन को प्रमाणित करने की जो व्यवस्था है वो मानव के लिए वर्तमान में सुलभ हो चुकी है। ये तो हमको पता ही है, हम दर्शन के माध्यम से हम सब चीज को समझने में भी लगे हुए हैं, अभी आजकल तो ये सब ऑनलाइन अभी तो उपलब्ध हो गया है, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। राकेश भैया को थैंक यू बोलना चाहिए हमको इसके लिए। आगे है, इस धरती पर हर वनस्पति जीव और मानव एक एक रचना है, ये सब धरती के साथ ही वैभव है, ये सभी रचना की एक एक अवधि है। हर धरती पेड़ पौधे जीव जानवर मानव अवधिगत रचना के रूप में प्रमाण है, ये सब अपने अपने अवधि के आधार पर अवधियों को प्रमाणित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आया कि हर वनस्पति जीव और मानव एक एक रचना है, एक एक रचना का मतलब है कि हर एक की अपनी एक एक यूनिकनेस है, उसका अपना एक आचरण है, उसका अपना एक वैभव है धरती के साथ में, धरती के बिना वो कुछ नहीं, उसका अकेले का कुछ अस्तित्व नहीं है, इस धरती के ऊपर ही वो प्रमाणित हो पाता है, उसका कुछ आचरण बनता है, उसका कुछ कार्यक्रम बनता है, यह ऐसी बात हो रही है। और ये रचना की भी एक एक अवधि भी है कि वो रचना का उत्पन्न होने का, उसके बने रहने का, फिर उसका प्रलय होने का, उसका एक साइकिल बना हुआ है, तो उसका एक अवधि भी निश्चित है हर एक चीज के लिए, उसकी बात हो रही है। जैसे मानव के रूप में भी देखे तो जन्मना, फिर कुछ करना, कुछ मर जाना, पेड़ पौधे का भी ऐसा है, जानवर का भी ऐसा है, कोई पदार्थ है तो उसका भी कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया उसके अंदर भी चलती रहती है, तो उस रूप में हर एक की कुछ अवधि है ही, उसके अंदर नित्य कुछ ना कुछ क्रिया चल ही रही है। आगे है, जैसे धरती का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा जाता है वैसे ही मानव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मापा जाता है, इसी क्रम में पेड़ पौधे पत्थर मणि धातु भी अपने अपने ढंग की रचना होना, उसका मापतोल के साथ पहचान होना पाया जाता है। इस विधि से रचना की महिमा, रचना के साथ उसकी अवधि, इनमें परस्पर पूरकता और उपयोगिता अपने आप स्पष्ट हो रही है। इसके बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं पूरा, आगे बढ़ते हैं इसमें। रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात स्पष्ट होती है। धरती अपने में रचना
इसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है, क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस धरती का ही वो वैभव है और उसके ऊपर जो हर एक चीज कुछ रचना ले रही है, कुछ विरचना हो रही है, उसी का ये वैभव है कि इस धरती के ऊपर हम विकास और विकास क्रम, जागृति और जागृति क्रम को अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये चीज विद्यमान हो चुकी है और ये चीज प्रमाण के साथ इस धरती के ऊपर हम देख चुके हैं, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है, इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी है। अवस्था का मतलब यहाँ पर चार अवस्था बता रहे हैं और पद के रूप में प्राण पद, भ्रांत पद और देवपद के रूप में तीन प्रण के तीनों पद प्रमाणित होने की बात हो रही है। और आगे लिखा है कि शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है। शून्याकर्षण का मतलब यहाँ पर मैं समझता हूँ कि शून्याकर्षण एक ऐसी स्थिति बाबा जी बता रहे हैं कि जिसमें किसी चीज के प्रति आकर्षण भी नहीं है, विकर्षण भी नहीं है, वो अपने स्वभाव गति में बनी हुई है वो चीज, उसको यहाँ पर बाबा जी शून्याकर्षण के रूप में बोल रहे हैं। इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं। चार अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा स्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते तब मानव भी नहीं होता। मानव होने के पश्चात ही ब्रह्मवश धरती विरोधी कार्य किया है, वहीं जागृति पूर्वक इस धरती के अनुकूल अर्थात विकास और जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में मानव अपने को व्यवस्थित कर लेना, प्रमाणित कर लेना, कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर लेना आवश्यक व समीचीन है। पर फिर से बाबा जी उसी बात पर ध्यान दे जा रहे हैं कि मानव ने ना समझीवश या ब्रह्मवश किसी चीज को अज्ञानतावश कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किया है जिसके कारण ये धरती आज बीमार हो चुकी है। इस धरती को हम इतना नुकसान कर चुके हैं कि उसके फल हम आज भुगत ही रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए हर एक मानव को जागृत होना होगा। इस धरती में जो एक विकास का क्रम है, जागृति का क्रम है, उसको पहचानना पड़ेगा, उसके आधार पर हमको जीना पड़ेगा। ये सब एक आवश्यकता बन चुकी है और उसी के साथ चलते हुए मानव अपने आप को व्यवस्थित करेगा और स्वयं व्यवस्थित होने के साथ मानव समाज व्यवस्थित होगा और उसी के साथ सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होगी और उस आधार पर धरती फिर से अपनी स्वभाव गति में मानव के साथ पूर्वकता के सहित रहने लगेगी। इस प्रकार से बाबा जी यहाँ पर सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो इस लास्ट देश के जो बात की हम उसको समरी के रूप में देखें तो सबसे पहले जो एक बात आई कि देश है वही विस्तार है। विस्तार को यहाँ पर देश के रूप में पहचाना गया है। देश को यहाँ पर हम टुकड़े टुकड़े में भी बोलते हैं या उसको विस्तार के रूप में भी बोलते हैं। ये भाषा को लेकर बात हुई। उसके बाद आया कि धरती अपने आप में अखंड है लेकिन मानव समाज अपने आप को अखंड रूप में अभी तक नहीं पहचान पाया है। मानव अपने आप को किसी ना किसी जाति रंग रूप उसके आधार पर ही पहचानता है। जब मानव अपने आप को मानव जाति एक, मानव जाति अखंड और मानव का लक्ष्य भी एक है, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व हर मानव का लक्ष्य है, इस रूप में जब पहचानेगा उस समय हर चीजें धीरे धीरे सेट होगी और उसके ऊपर मानव कार्य करेगा, उसकी अभी एक आवश्यकता बन चुकी है, ऐसी यहाँ पर बाबा जी बात कर रहे हैं। और उसके बाद बात आई कि धरती अपने आप में विकसित है। अभी इस धरती पर हम जो रह रहे हैं इस पर चारों अवस्थाएं और तीनों पद प्रमाणित हो चुके हैं। और उसके बाद आया कि मानव अभी तक ब्रह्मवश जो कुछ भी गलती किया उसको ठीक करने के लिए मानव को अध्ययन करना पड़ेगा। मानव को विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति का अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करते हुए मानव स्वयं में व्यवस्थित होगा और सारी धरती अपने आप में धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेगी। इस प्रकार से क्रम को मैं भी सहमत होता हूँ, इसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ और हम सबको भी करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी बात यहाँ तक रखनी थी। अब यहाँ से आगे की जो बात है उसके ऊपर मेरे मित्र मनन भाई इसके ऊपर बात रखेंगे। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि हम इस सेशन को यहाँ पर कट करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही नए सेशन का लिंक टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर रख। अस्तित्ववादी विज्ञान देखा है, सह अस्तित्ववादी नजरिए से बाबा जी ने इसको समझाने की कोशिश की है और उसमें आगे जो गुंजन भाई ने बात किया उसी में
चैप्टर 14 में दिशा और दृष्टि का हम बात करेंगे। हमने यहाँ लैपटॉप के स्क्रीन में ही पीडीएफ ओपन करके रखा है, तो आपको लगेगा कि मैं कैमरा के सामने देख के बात कर रहा हूँ और मैं लैपटॉप में से ही पढ़ रहा हूँ। तो अभी अध्याय शुरू करते हैं, दिशा और दृष्टि। दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानना प्रचलित है। इसे नाम भी दिया जा चुका है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। हर मुद्दा सह अस्तित्व में से के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सह अस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। सह अस्तित्व में पूरकता उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है, जैसा मानव को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं। तो बहुत ही सरल, जैसे बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि चार दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और वो चारों दिशाएं कैसे है। तो यदि हम सूर्य के सम्मुख मुंह कर खड़े हो तो सामने पूरब, पीछे पश्चिम, और फिर एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण। और ये दिशा किस आधार पर निर्धारित होगा? तो अस्तित्व में जो है सह अस्तित्व है उसके आधार के ऊपर दिशा हमने निर्धारित किया है। और इसी क्रम में दिशा को पहचानने के लिए हमने मानव को ध्रुव रूप में स्वीकारा हुआ है। ये जो रेफरेंस है वो हमने मानव को माना हुआ है। इसमें आगे देखेंगे तो एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर वस्तु एक केंद्र बिंदु, हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एक जुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी और 8 दिशा हो जाती है, इसी प्रकार 90 विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती है। 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती है। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आता है। तो इसमें दूसरा मुद्दा ये कह रहे हैं कि एक अंश है या एक बिंदु है वो अनेक अंशों का केंद्र बन जाता है। हम कोई भी प्लेन पेपर ले ले और उसके सेंटर में या कहीं भी एक बिंदु ले तो उसके आसपास अनंत अंश समाये हुए हैं। और हम दिशा तय करने के लिए यदि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़े ही है कि 45 अंश के जो भाग करते हैं हम एक सर्कल को लेके या कोई भी प्लेन के 45-45 के हम कोण बनाते हैं तो 8 हिस्से मिलते हैं, और 4 90 के बनाते हैं तो 4 हिस्से मिलते हैं, और 180 में 2 मिलते हैं। तो वैसे ही दिशा निर्धारण करने के लिए हमने उसको कोण और उस हिसाब से बांटा हुआ है। तो जो 4 दिशाएं मिलती है तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। फिर हमने और गहराई में
अध्ययन करके और चार दिशा भी पहचानी हुई है, जो 45-45 के हम कोण करेंगे तो 8 दिशा मिलेगी, वो है ईशान, अग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। तो इस प्रकार से दिशा निर्धारण के लिए हमने एक वस्तु अनंत अंशों के केंद्र होने की विधि समझ में आई है। दूसरी विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु, धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कौन यानी किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। तो दूसरी विधि दिशा पहचानने की है कि हमको पता ही है कि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु अस्तित्व में है। तो पूरे सौर मंडल को देखें तो सूर्य है, चांद है, धरती है, वो एक दूसरे के सामने हैं और ये भी अनंत अंशों का केंद्र बने हुए हैं। और हम सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित करेंगे तो देखने वाले के हिसाब से देखें तो 90 अंश और सूरज जो दिखता है उसके आधार पर 180 अंश हमको दिखता है। इसके बारे में और आगे भी हम चर्चा करेंगे, अभी आगे की लाइन में पढ़ते हैं। देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। आगे जो दिशा को देखने की बात आई उसमें देखने वाला मानव है, ये हमको स्पष्ट है। मानव की दृष्टि को जिस ओर दौड़ता है वह दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है, इसी का नाम दृष्टिपात है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है, यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है, यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव यानी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा, काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। तो हमने पहले जो 90 और 180 अंश के बारे में बात की, तो पहचानने वाला और देखने वाला मानव है, और मानव अपनी दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है तो आंखों के साथ दोनों आंखों के मिला के 90 अंश ही बनता है। जैसे अभी मैं यहाँ स्क्रीन में देख रहा हूं तो मुझे इतना हिस्सा दिख रहा है, तो वो 90 अंश जितना हिस्सा ही दिखेगा। और इसको बाबा जी ने दृष्टिपाट नाम दिया है। और ये पूरा जो चक्षु तंत्र किस तरह से काम करता है, तो ये जो दिशा बन रहा है, ये कौन बन रहा है, उसका मूल शुरुआत अपने चक्षु के पीछे एक बिंदु है, वहां से शुरू होता है। और दोनों चक्षु स्नायु से जुड़े हुए हैं और ये स्नायु मेधस तंत्र में स्थापित होते हैं और भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। और यह मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा रहता है, इसीलिए जीवन की उपस्थिति में ही मानव को दिशा, काल आदि का बोध होने की संभावना है। यदि जीवन नहीं है तो हमको दिशा या काल का बोध संभव नहीं है।
यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। ये विज्ञान पक्ष को या भौतिक पक्ष को हम देखें, उसमें हम जो दिशा काल उसका निर्धारण करते हैं, तो उसके पीछे भी जो हम जो विधि से करते हैं वो मानव ने ही बनाया हुआ है, और जो यंत्र भी हमने बनाए हैं वो खुद स्वयं मानव ने बनाए हैं। तो यदि वो यंत्र प्रमाण होता है, यंत्र ठीक से काम करता है, तो उसके पीछे मानव ही प्रमाण है। और जो सभी पुस्तकें हैं, अभी तक का पूरा जितना थियोरी है, वो भी मानव ने ही लिखा है, तो अल्टीमेटली देखे तो मानव ही प्रमाण है। और इस तरह समझने के क्रम में हमको चक्षु तंत्र का आवश्यकता है। आगे हम देखें, दृष्टिपाट अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाट में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोध पूर्वक पहचाना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। हमने जो दृष्टिपात के बारे में चर्चा की तो वो हर मानव में 90 अंश का ही विस्तार बनाता है। और इसी दृष्टिपात में नजर में आने वाली सभी अच्छी निश्चित दूरी में वस्तुएं हमको दिखती है और उसका बोध होता है। और चक्षु तंत्र द्वारा जो हमको दिखता है उसका बोध जीवन में होता है। और इसी प्रकार के हमको मानव शरीर और जीवन का अविभाज्य रूप होना समझ में आता है। जो बाबा जी ने बड़ा अनुसंधान में दिया है कि मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप है, तो चक्षु तंत्र द्वारा भी हम उसको समझ सकते हैं, तो पूरी कड़ी है। जैसे हम आंखों से जो देखते हैं वो अपने चक्षु तंत्र में आता है, और फिर चक्षु तंत्र मेधस तंत्र से जुड़ा हुआ है, और मेधस तंत्र जीवन से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो चक्षु द्वारा हम देखते हैं उसका समझ, उसका बोध हमको जीवन में होता है। इन तीनों में से यदि कोई भी नहीं है तो हमारी देखने की क्रिया नहीं होती है। यदि जीवन नहीं है तो भी हम देख नहीं सकते, यदि मेधस नहीं है तो भी हमारे चक्षु काम नहीं करेंगे। मेधस की अनुपस्थिति में चक्षु तंत्र जीवित रह सकता है, पर जो उसको दिखेगा वो जीवन में बोध नहीं हो सकता, क्योंकि मेधस जीवन और चक्षु तंत्र तीनों जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार से भी हम मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य स्वरूप होना समझ सकते हैं, और इसको हम अपने में भी देख सकते हैं और अन्य मानव में भी समझ सकते हैं। दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान
और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में दृश्य को पहचानने के मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। तो हमको यदि दिशा और देश को पहचानना है तो उसके लिए दृष्टि की आवश्यकता है, और दृष्टि के बिना निश्चयन, पहचान और उपयोगिता संभव नहीं है। और दृष्टि से ही हमको उपयोगिता पूरकता समझ में आएगा। तो किस दृष्टि की बात हो रही है उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो मानव ही दिशा को, देश को और दृष्टि को समझने के लिए एकमात्र समर्थ इकाई है। तो हमको किस दृष्टि को समझना है, किस दृष्टि से दिशा तक पहुंचना है, वो आगे बाबा जी ने दिया है। उससे पहले हम जो भौतिक रूप में दिशा को है उसका हमारे जीने में क्या आवश्यकता है उसके लिए लिखे हैं। धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुआयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। अभी जो हम सोचे कि दिशा का कहाँ कहाँ हमको जरूरत रहता है, तो बहुत ही सिंपल है कि एक जगह से हमको दूसरी जगह जाना है तो अभी हम GPS का या मैप का या साइन बोर्ड लगे हुए उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमको दिशा चाहिए। और जब ये सब नहीं था, रास्ते नहीं बने थे, तो बहुत पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो ऐसे बात करते थे कि यहाँ से पूरब की दिशा में इतने आगे जाओ और वहां से यहाँ मुड़ोगे तो फिर ये जगह पर पहुंचोगे। फिर हम हवाई जहाज में भी सफर करते हैं और समुद्र में भी सफर करते हैं, तो कोई एक निश्चित जगह पर पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है। और उसको हम मानव जाति ने अभी निश्चित रूप से पहचान लिया है, और उससे भी अधिक हमने दूसरे ग्रह गोल से भी हमारा वास्ता है, इसीलिए वहां तक पहुंचने का भी दिशा निश्चित कर चुके हैं। जैसे मंगलयान हम भेजते हैं, चंद्र पर हम मानव को भेजते हैं, अंतरिक्ष में हमारे सब यान कार्यरत हैं, तो इस दिशा को हमने पहचान लिया है। तो जो भौतिक दिशा है उसको पहचान के हम उसको अच्छे से उसका उपयोग, पर जो दिशा को अब मानव को पहचानने की आवश्यकता है वो है जो लेखक कह रहे हैं, जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए निश्चित दिशा की आवश्यकता है। तो इसको आगे भी हम चर्चा करेंगे। आगे लिखे हैं, भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहां गतित होना है इसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यक रहती ही है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य, गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से ही पहुंच पाते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। तो आगे का जो पैराग्राफ है उसी का दूसरी विधि से बता रहे हैं कि हमको कोई निश्चित गम्य स्थली पर पहुंचना है तो चाहे भूचर हो, नभचर हो या जलचर हो, हम किसी भी विधि से यात्रा करते हो, हमको हमारा लक्ष्य पहचानना, गम्य स्थली पहचानना आवश्यक है। तो यहाँ आगे भी हमको बाबा जी बोले कि
दिशा क्या पहचाननी है, तो जागृति क्रम जागृति की दिशा को पहचानना है, विकास की दिशा को पहचानना है। तो हम हमारी गम्य स्थली को किस रूप में पहचानते हैं, ये हमारे स्वमूल्यांकन के लिए एक प्रश्न है कि हमने गम्य स्थली को भौतिक समाधान के रूप में पहचाना है कि बौद्धिक समाधान के रूप में पहचाना है। यदि भौतिक समाधान के रूप में हमने पहचाना है तो ये जो सब यात्राएं हैं, सब हम अभी जितना भी शोध कर रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन के वर्क है, यात्राएं होती है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वो सब को यदि हमने स्वीकार लक्ष्य या गम्य स्थली मान लिया है तो ज्यादा समय हमारा उसमें जाता है। पर हमने बौद्धिक समाधान को, हमारे जीवन के विकास को, जागृति की दिशा को गम्य स्थली माना है तो हमारा ज्यादा समय, हमारा ज्यादा सोचना उसमें जाता है। इसके आगे यह भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं, दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है, मानव में ही समझने की दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ ज्ञान तंत्र, सोच विचार साक्षात्कार चित्रण सहित बोध अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती है। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। तो हमने आगे भी एक दो बार बाबा जी ने कहा है, और ये लेखक जो बाबा जी है, नागराज जी है, उनका लिखने का एक स्टाइल है कि हमको बार बार अलग अलग विधि से, उन्होंने हर अलग प्रकार से सोचते हुए व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से लिखा है और अलग अलग जगह पर बारी बारी से एक ही बात को कहने की कोशिश की है जिससे हम उसको आसानी से समझ सके। तो दृष्टि के बिना दिशा निर्धारित होती नहीं, तो कोई भी हम दिशा लेते हैं उसके पीछे दृष्टि समाया ही रहता है। जैसे कि हम कोई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि मैं अपने घर से यहाँ मानव तीर्थ अध्ययन के लिए आना है मुझे, तो यहाँ के पहुंचने के जो दिशा है उसके पीछे का दृष्टि है कि अध्ययन करना, और दृष्टि का जो केंद्र है वो मानव ही है, मानव ही दृष्टि को पहचानता है। और वो किस प्रकार से मानव पहचानने का, अध्ययन पूर्वक श्रवण मनन साक्षात्कार चित्रण सहित बोध और अनुभव से मानव में दृष्टि संपन्नता होती है। और इसके लिए मानव को जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। आगे लिखे हैं, दृष्टि मानव में सह अस्तित्व विधि से ही सभी आयाम कोण परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसीलिए दृष्टि पूर्वक ही लक्ष्य दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। फिर से दृष्टि को समझने के लिए ही बाबा जी ने जोर दिया है। तो मानव व्यवहार दर्शन में भी आगे अध्याय में आया कि लिए एक प्रश्न है ही कि क्या हमारा दृष्टि कैसा है, प्रिय हित लाभ में है कि न्याय धर्म सत्य में है। और इस दोनों में से जैसा हमारा दृष्टि है उस प्रकार से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। यदि हमारा दृष्टि प्रिय हित और लाभ का ज्यादा है तो उस समय में हम उस प्रकार से उस दिशा में गतित रहते हैं, और यदि हम न्याय धर्म सत्य के तरफ प्रयासरत हैं तो हमारा दिशा भी उसी प्रयासों में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे पूरा हम चैप्टर का यदि एक छोटा समरी करें तो दिशा और दृष्टि में बहुत ही
सरल भाषा में हम दिशा को पहचानते हैं, दिशा की क्या आवश्यकता है, तो हमको कोई एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए दिशा उपयोगी है, और दिशा को मानव जाति ने भौतिक रूप में पहचान लिया है, और इसी से हम जल यात्रा, हवाई यात्रा और धरती पर भी यात्रा करते हैं, और पूरी दुनिया जुड़ चुकी है, और एक कोने से दूसरे कोने तक हम यात्रा कर चुके हैं, और इवन मानव चंद्र पर भी और हमारे जो यंत्र है वो मंगल पर भी यात्रा करके आए हैं। पर अभी जो और आवश्यकता है मानव की जागृति के लिए, हमको जागृति की दिशा को पहचानने की आवश्यकता है, और उसके पीछे की हमारी दृष्टि को पहचानने की आवश्यकता है, और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि और जागृति की दिशा में हमको और सारी मानव जाति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न को देख लेते हैं हम। हाँ, इन्होंने लिखा है कि ऊपर और नीचे भी तो दिशा है, तो हाँ, दिशा को हमने वैसे भी पहचाना है। पहले कई पुराणों में भी लिखा है कि जो लोग प्रतिज्ञा लेते थे पुराणों की कहानियों के अनुसार, तो उसमें दसों दिशाओं ऐसा वाक्य प्रयोग करते थे, तो ऊपर नीचे भी दिशा है, और आठ मिला कुल मिला के आठ, और फिर ऐसे ऊपर नीचे करके दस दिशा को हम पहचानते ही है। आगे का हमारा टॉपिक है कोण, यानी एंगल। ये भी मैथमेटिक्स में हम 7th-8th स्टैंडर्ड से करते ही आए हैं। कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। कितने भी अंशों की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसी जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समांतर रेखा यानी आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कौन स्पष्ट हो पाते हैं। अगले टॉपिक में भी आया था मुद्दा कि कोई एक केंद्र को बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत अनेकानेक अंश उसमें समाये रहते हैं, तो कोई एक बिंदु को हम उसके समांतर आधार रेखा ड्रॉ करें, और उससे फिर कोई और एक दिशा में समांतर लक्ष्य रेखा को हम बनाते हैं, तो इससे हमको कोण पता चलता है। एक सरल उदाहरण ले तो जैसे हमारी रिस्ट वॉच होती है या वॉल क्लॉक है, उसमें हम देखें तो हम मान लेते हैं कि एक जो डायल है वो 3 के ऊपर है, तो एक वो बेस रेखा हो गई, आधार रेखा हो गई, और जो मिनट का कोण है, इस तरह से कोण स्पष्ट होता है। हर दो अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई और सभी ओर फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से भी पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाट की पहचान हो जाती है, स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। तो कोण के बारे में और विस्तृत किए हैं कि हर दो अंशों को जोड़ने पर
हमको जो प्राप्त होता है वो कौन है, और हर दो समांतर रेखाओं को जोड़ने पर भी, तो जैसे हम डायल में एक और तीन को बीच में मध्यांश मध्य से जोड़ते हैं घड़ी के, तो फिर वो जो समांतर रेखा बनती है वो अनंत फैली हुई रेखा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे विस्तृत होती जाती है, और उसका मिलने का बिंदु है वो मध्य में ही होता है जिससे वो रेखा जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक दृष्टि पाठ को हम समझते हैं, जैसे आगे भी हम चर्चा किए कि हमारी आंखों में जो दिखता है 90 के कोण में, तो उस पीछे हमारे चक्षुओं के पीछे एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। अंश, कोण, विस्तार, दूरी, ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य हैं। इसीलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्यों को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, इसी समझ के आधार पर तीन ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ने पर कोणों का पहचान होती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं, इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है। तो एक और अलग विधि से हम देखें तो कोई एक समतल पर दो ध्रुवों को पहचाने या तीन ध्रुवों को पहचाने, और वो ध्रुवों को जोड़ने वाली समांतर रेखाएं हैं, उससे भी हम कोण को पहचान सकते हैं। जैसे इंडिया का मैप को उदाहरण ले तो एक ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है और ऊपर उत्तर में जम्मू कश्मीर, और उसको मिडल से हम जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ते हुए, और ऐसे अनंत कोण बन सकते हैं। और सर्कल में हमने विज्ञान में उसको पहचान कर 360 भागों में बांट लिया है, हमारी सरलता के लिए, कैलकुलेशन के लिए, पर अनंत कोण हम बना सकते हैं। और इसी के साथ दूरी और दिशा कोण के साथ ही स्पष्ट होता है, और इन स्पष्टताओं के साथ हमने भौतिक जगत में बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, और हमारा जो उसका उपयोगिता भी देखे, कोण, दिशा और दूरी स्पष्ट होने से हमने जो किया है, तो जैसे हम ऑर्चिड लगाते हैं, फल क्षेत्र लगाते हैं, उसमें भी हम पाइथागोरस का प्रयोग करके पेड़ों को लाइन से लगा सकते हैं जिससे वो सीधा देखे, फिर साइड से देखे या तिरछा देखे, एक ही लाइन में दिखते हैं। फिर हम यहाँ नए रास्ते बनाते हैं, रोड बनते हैं, तो उसमें भी हम सर्वेइंग करते हैं और दिशा और कोण को निश्चित करके, उसके साइज को निश्चित करके बनाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हम उपयोग करते हैं वो समुद्र सफर है, हवाई सफर है, जहाँ कोई लैंडमार्क ही नहीं है, तो उसमें हम कोण के द्वारा ही दिशा का निश्चयन करते हैं। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। कंटिन्यू करवाना था मुझे। आगे का हमारा टॉपिक है आयाम। आयाम, हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु छह ओर से सीमित होते हुए तीन आयाम की बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के छह ओर मानव के आंखों में प्रतिबिंबित होने के लिए कम से कम तीन प्रकार यानी तीन ओर से देखने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को हम तीन आयाम कहते हैं। तो आयाम को हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आयाम क्यूबिक को स्क्वायर को देखते हैं तो उसके छह साइड होते हैं।
इसको हम सिंपल हमारे घर की जो कमरा है उसकी दीवार से भी पहचान सकते हैं। तो उसके चार तरफ है और ऊपर नीचे मिला के छह तरफ है, और छह आयाम को समझने के लिए हमको तीन कम से कम तीन दिशा से देखने की आवश्यकता है। उसको हम जो इंजीनियरिंग पढ़े उसमें जो ड्राइंग आता है उसमें भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू रहता है। तो एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ की आंशिकता को हम समझ पाते हैं। तो मानव को छहों आयाम को समझने के लिए कम से कम तीन अलग अलग दिशाओं से देखना आवश्यक है। इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी, डूबी, घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपाट में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को ध्रुव बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। ध्रुव बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखा ही है। इसमें एक मानव मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और बनावट संबंधी निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 अंश अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है, बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। तो हम जो देखने की प्रक्रिया करते हैं तो आगे हम पहले से ही इसमें अध्ययन किए ही है कि सारी इकाइयां व्यापक में डूबी भीगी गिरी है, यही संपृक्तता है। पर हम एक दूसरे इकाई को देख पाते हैं क्योंकि व्यापक पारदर्शी है, इसीलिए हम व्यापक पारदर्शी होने से दूसरी इकाई को देख पाते हैं। एक दूसरा हम यहाँ पर टर्म आ रहा है कि हम कोई भी इकाई को देखते हैं तो उसको 180 अंश तक ही देख पाते हैं, उसका बाकी का जो हिस्सा है वो ओझिल रहता है, यानी वो अस्पष्ट रहता है। उसका उदाहरण है कि जैसे हम दो मानव एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर देखते हैं तो हमको सामने का हिस्सा दिखता है। जैसे अभी आपको मेरा सामने का हिस्सा मेरा फेस दिखता है और फेस के पीछे का जो हिस्सा है वो अभी नहीं दिख रहा है। तो हम हर कोई इकाई का 180 अंश तक ही देख पाते हैं। और इस प्रकार से आंखों से जो दिखता है वह अधूरा है। आंखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। इस पर आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरेपन को स्वीकारता नहीं। तो इस प्रकार हम जो आंखों से देखते हैं वो अधूरा है क्योंकि हमको आगे का 180 अंश तक का ही हिस्सा हम देख पाते हैं, और इसके आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं वो भी अधूरे हैं। तो इससे फिर समस्याएं पैदा हुई। तो इसको हम देखें तो हम सिर्फ रूप के आधार पर आंखों से जो दिखता है वो रूप दिखता है और वो भी अधूरा दिखता है। उसके आधार पर सारे निर्णय मानव जाति ने अभी तक लिए और उससे जो अभी समस्याएं है वो हम सब
देख ही रहे हैं। और यदि मानव तृप्ति को केंद्र में रख के सोचता है तो तृप्ति के लिए मानव अधूरेपन को स्वीकारता नहीं है। आगे लिखे हैं, इस मुद्दे पर पहले भी सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आंखों से अधिक समझ से कम है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आंखों से अधिक होता है, जबकि आंखों के आधार पर भी बोध होने की बात समझ में आता है अथवा चित्रित होने की बात आती है। तो हमको आंखों से जो दिखता है उससे भी थोड़ा अधिक हम गणित से देख पाते हैं, पर गणित से जो दिखता है वो समझ से तो कम है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे कि समझ से दिखना क्या है, पर आंखों और गणित के बारे में कंपैरिजन करें तो हमको रूप बस दिखता है और उसका आकार दिखता है। रूप में आकार, आयतन और घन है, तो आंखों से हमको आयतन और घन का पता नहीं चलता है, और गणित से हमको आयतन का पता चलता है। और वैसे ही आगे लिखे है, चित्र की नजर के आधार पर सोच विचार बना ही रहता है, वह भी अधूरा रहता है। चित्रों में आकार आयतन का 180 अंश ही दिख पाता है, नजरों में भी 180 अंश ही समा पाता है, जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार आयतन का पूरा बोध कराता है। आंखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं समझ में आता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उससे अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो इसमें आंखों से जो दिखता है, गणित से जो दिखता है और समझ से जो दिखता है, उन तीनों के बारे में विश्लेषित किए हैं। तो आंखों से हमको सिर्फ आकार दिखता है और आयतन का 180 अंश कोण को ही हम देख पाते हैं। जैसे आगे हम मानव को लेकर जो उदाहरण की चर्चा की है, सिर्फ आगे का हिस्सा ही दिख रहा है। और गणितीय विधि से आयतन को भी हम पूरा समझते हैं और आकार को तो हम समझते हैं पहले, तो जो इक्वेशन हमने बना लिए उससे हमको आयतन भी पता चलता है। पर आंखों में घन का कोई प्रतिबिंब समझ में नहीं आता है और गणितीय भाषा से अधिक गुणात्मक और कारणात्मक भाषा से समझ में आता है। तो गुणात्मक भाषा जो है उसकी, उसमें इकाई के परस्पर के प्रभाव हम समझ सकते हैं और कारणात्मक गुण को समझ सकते हैं, और कारणात्मक भाषा में धर्म को हम समझते हैं। आगे लिखे हैं, क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप गुण स्वभाव धर्म का समुच्चय है। रूप गुण स्वभाव धर्म संबंधी व्याख्या पहले किया जा चुका है। मानव में से के लिए हर वस्तु का बोध रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधान कारक होगा, यह बात समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा, कोण, आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इसे भले प्रकार से हर मानव जांच सकता है। तो आगे भी चर्चा किए उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हर इकाई है, हर वस्तु है, उसका रूप गुण और स्वभाव धर्म का एक समुच्चय है। तो कोई भी इकाई को समझने के लिए, वस्तु को समझने के लिए हमको इन चारों को समझना आवश्यक है, और इन चारों का बोध होना, संपूर्ण बोध होना, इसको इसी से तृप्ति मिलेगा, यही तृप्ति का कारण बन पाता है। और
संपूर्ण समाज के साथ ही जो निर्णय हम लेते हैं उसी से फिर हम समाधान की ओर गतित होते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हमको क्यों रूप गुण स्वभाव धर्म सबको समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम पदार्थ रूप में एक वॉल्केनो को ले जो ज्वालामुखी होता है, तो उसको रूप को यदि बस हम देखेंगे तो देख के तो बड़ा सुंदर लगता है और उसके नजदीक जाने का किसी को इच्छा होता है, पर यदि हम उसके गुण को देखेंगे तो वो गुण हमारे लिए वो ठीक नहीं है, यदि उसको हम उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। तो इसीलिए पदार्थ अवस्था है उसके सारे के रूप गुण स्वभाव धर्म को हमको समझना आवश्यक है। प्राण में यदि हम देखें तो मानव जाति ने अब तक ऐसे ही प्रयोग कर करके खाने के लायक उपयोगी वनस्पतियों को पहचाने हैं, क्योंकि कई वनस्पतियां विषकारक होती है और सारक मारक उसका गुण रहता है। फिर जीवावस्था में स्वभाव को देखें तो शेर के सामने जाके हम खड़े नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है कि उसका जो स्वभाव है वो क्रूर है। और ऐसे ही ज्ञान अवस्था को समझने के लिए जो ज्ञान अवस्था का धर्म है तो वो धीरता वीरता, ज्ञानावस्था का जो धर्म है वो सुखी होना, और इसका जो स्वभाव है धीरता वीरता उदारता और दया कृपा करुणा, तो इसको हमको पहचानना है। और जो ज्ञानावस्था की दृष्टि है वो न्याय धर्म की दृष्टि को हमें पहचानना है। तो इन सब को पूरे रूप गुण स्वभाव धर्म के समुच्चय को पहचानने के बाद चारों अवस्थाओं और सभी इकाई के धर्म को पहचानने के बाद ही हम जो निर्णय लेते हैं वो समाधान की ओर ले जाते हैं। बाकी इसमें से कोई भी कमी है और हम निर्णय लेते हैं वो समस्या की ओर ले जाता है। उक्त प्रकार से आंखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग निर्णय मानव जाति ने किया है वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। यंत्र प्रमाण आंखों से अधिक हो नहीं सकता, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान की चेष्टा आंखों को प्रयोग करना, आंखों को और ज्यादा सूक्ष्मतम रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है, अर्थात पावरफुल लेंस लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखने वाला अरबों खरबों गुना दिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी है। इन सब के उपरांत भी आंखों में जो होता है आंख को अरबों गुना कारगर बना ले अर्थ उतना ही निकलता है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान विवेक संयुक्त विधि से सह अस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित हो पाना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। तो फिर से हमको वही समझाने की कोशिश है बाबा जी की यहाँ पे कि हमने आंखों को केंद्र में रख के आंखों से जो दिखता है उसको समझ मानकर जितने भी निर्णय लिए, जितने भी प्रयोग किए, वैज्ञानिक आविष्कार किए, उससे अनगिनत समस्याओं को हम पैदा कर चुके हैं। और हमने गलती से यंत्र को प्रमाण मान लिया और इसी से गड़बड़ हो गया। तो यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, उसको भी हमको समझना है। हमने आंखों से अधिक देखने के लिए विज्ञान में टेलीस्कोप बनाए, माइक्रोस्कोप बनाए, छोटे से छोटे अंश को भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और दूर वाले ग्रह गोल को नक्षत्रों को हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। और बहुत ही हमारी आंखों को कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किए, पर इन सब से आखिर में जाके तो समस्याओं को ही हम पैदा किए हैं। एक उदाहरण ले तो हमने बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही शोध करके न्यूक्लियर एनर्जी का
हमने शोध किया न्यूक्लियर एनर्जी को हम समझे, पर उसका जो उपयोग हुआ वो मानव के विध्वंस के लिए हुआ, युद्ध में हुआ। तो हमने सिर्फ विज्ञान को पहचाना, इसीलिए यहाँ पर समस्या हुई। तो यहाँ पे दर्शन में जो बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान, विवेक और विज्ञान तीनों से संपन्न होना मानव को जरूरी है। तो विवेक संपन्न विज्ञान से ही मानव समाधानित होगा। और वैसे ही सिर्फ गणितात्मक भाषा से न जीते हुए गुण और कारणात्मक भाषा को भी हमको ध्यान में रखना है और उससे संप्रेषित होना है, और उसके फलस्वरूप हमको मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को लक्ष्य बना के उसको पाना ही हमारी आवश्यकता है, ऐसा हमें बनाना है। जो मानवाकांक्षा आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं, समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व जो हर मानव की कामना है, और जो जीवन आकांक्षा है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, वो हर व्यक्ति अपने में भी देख सकता है कि क्या ये दोनों मेरी आवश्यकता है, क्या ये दोनों मेरा लक्ष्य है। और फिर इस मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा को पहचानते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये भी एक हमारे स्वयं के मूल्यांकन के लिए मुद्दा है। इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यकीय क्रिया है। दिशा को हम इस प्रकार से समझे, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही हैं, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। इसके साथ साथ और दो भाग जो ओझिल हैं, विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है। तो दिशा को भौतिक रूप में तो हमने पहचाना ही है, विज्ञान विधि से पहचाना है, उसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। खगोलीय विधि से, भौतिक विधि से हमने पूरे धरती पर कोने कोने में हमारा शासन या हमारा जो पैर है वो स्थापित किया हुआ है, और ग्रह खगोल में भी हम पहुंच चुके हैं। पर जो भाग हमको पहचानना है वो है विकास की दिशा और जागृति की दिशा, उसकी हमको आवश्यकता है। आगे उसके बारे में दिए है कि विकास और जागृति की दिशा क्या है। तो विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार, अर्थात मानव अपने कार्य व्यवहार को निर्णित करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब है। तो मानवेतर प्रकृति है, पदार्थावस्था, जीवावस्था, प्राणावस्था, ये तीनों अवस्थाओं के साथ, भौतिक जीव संसार के साथ हम पूरकता उपयोगिता को पहचान के जो निर्वाह करते हैं उसको आचरण में लाना, उसके साथ सामंजस्यता में रहना, वही मानव के लिए विकास की दिशा है। इसको भी हम पहचान सकते हैं कि हम कितना उपयोगिता पूरकता पहचान के तीनों अवस्थाओं के साथ जी रहे हैं और उसमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे है जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवन आकांक्षा और मानव आकांक्षा को प्रमाणित करना है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सह अस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान है। तो जागृति की दिशा किसको कहे हैं बाबा जी? तो हम जीवन रूप में स्वयं को पहचाने, सभी मानव को जीवन रूप में पहचाने और मानव के साथ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के साथ निर्वाह करें, उसमें संबंधों का, मूल्यों का आस्वादन हो और संबंध पूर्वक हम सबके साथ अखंड समाज के रूप में जिए।
तो इसी को जागृति की दिशा का यही तात्पर्य है, और हम जीवन रूप में समाधान तक पहुंचे और इसे तभी मानव का सफल होने का बात है। पूरे ये जो चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, उसका समरी आखिरी एक पैराग्राफ में लिखे ही है बाबा जी कि मानव संतुष्टि की नजरिए से रूप गुण स्वभाव धर्म रूपी आयामों की स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक होना हो पाना होता है। यही सारांश है। तो ये जितने भी टर्म्स के बारे में हम पढ़े, जितने भी टॉपिक के बारे में हमने अभी चर्चा किया, देश, दिशा, आयाम, कोण, विस्तार, तो ये सभी को हम भौतिक रूप में तो बहुत ही अच्छे से पहचाने हैं और विज्ञान विधि से उसको पहचान के हम निर्वाह कर रहे हैं। उससे हमको कुछ उपलब्धि हुई है जो हमारे लिए, मानव जाति के लिए अच्छा है, और कई जगह पर हमने समस्याएं पैदा की है, कई जगह पर हमने गड़बड़ किए हैं। तो इसी के सह अस्तित्ववादी विज्ञान बाबा जी ने इसी का विकल्प दिया है कि हमको कौन सी दिशा पहचाननी है, कौन सी दृष्टि पहचाननी है, प्रिय हित लाभ के जगह न्याय धर्म की दृष्टि को पहचानना है, हमको जागृति और विकास की दिशा को पहचानना है, और हम इस दिशा में और इसको लक्ष्य बना के, समाधान को लक्ष्य बना के इस दिशा में आगे बढ़े और जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो, ऐसा ही मानव जाति का लक्ष्य है। कोई प्रश्न है तो देख लेते हैं। आप सभी के कमेंट्स पढ़ के हम सभी को भी आनंद होता है, और हमारे लिए भी तो यही एक बल है अपने अंदर। हमारा विश्वास इसीलिए है कि आप सब लोग ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं और हमारे साथ आप सब खड़े हैं और आपका सानिध्य हमको मिलता रहता है, और इसी सब कारणों की वजह से भी हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी और 15-20 मिनट या शायद थोड़ा 5 मिनट और लगेगा, एक चैप्टर और है कल, उसको हम कर लेते हैं। चैप्टर 15 है कल।